नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे जदयू और बीजेपी के साथ ही अब आरएलएसपी के बारे में। बिहार में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की सियासत में एक बड़ा उठक पटक देखने को मिला। बिहार की राजनीति में जदयू कभी अपनी प्रभावशीलता के लिए जानी जाती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव 2020 में वह तीसरे स्थान पर पहुंच गई। हालांकि बिहार में जदयू के सहयोगी बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ और पार्टी 74 अंक यानी कि 74 विधायक को जीतने में सफल हुए। ऐसे में अब जदयू अपनी पार्टी का लगातार विस्तार करने पर विचार कर रही है। इसी कड़ी में हमने देखा कि जदयू ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक में बदलाव किया है। इसके साथ ही अब पार्टी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काज कर रही है। विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने के बाद से जदयू में संगठनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया अब चल रही है। इसी सिलसिले में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी भाजपा के कोर वोटरों पर सेंध लगाने में जुट गई है। जदयू ने पहली बार सवर्ण प्रकोष्ठ का गठन किया है। सामान्य तौर पर सवर्णों को भाजपा का समर्थक माना जाता है। राज्य और केंद्र दोनों में भाजपा और जदयू साथ में मिलकर सरकार चला रहे हैं। हिंदुस्तान अखबार की खबर की माने तो सवर्ण प्रकोष्ठ के गठन पर पार्टी के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार के 15 वर्ष के काम को बताकर उच्च जाति के लोगों को पार्टी के नज़दीक लाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उनकी राय और आकांक्षाओं के बारे में भी पार्टी को जानकारी मिलेगी। डॉक्टर नीतीश कुमार बीमल का स्वर्ण प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है। बीमल जदयू के गठन के वक्त से ही पार्टी में हैं और उससे पहले 1994 में समता पार्टी में थे। नीतीश कुमार बिमल ने कहा कि जदयू में पहली बार सवर्ण प्रकोष्ठ बनाया गया है। पहले सभी दलों में सिर्फ उनकी जातियों के लिए प्रकोष्ठ थे जिन्हें संविधान में आरक्षण मिला हुआ है। अब उच्च जाति में गरीब लोगों को भी 10% आरक्षण मिल गया है। ऐसे में पार्टी के अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने उनके लिए भी एक प्रकोष्ठ बनाने का फैसला किया है। बिमल ने यह भी कहा कि सवर्ण प्रकोष्ठ के माध्यम से हम उच्च जाति के लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी परेशानियों और मुद्दों को जानेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार के समावेशी विकास का लाभ उन तक भी। कहा कि हम इस प्रकोष्ठ से गांव, पंचायत और ब्लॉक स्तर तक ले जाएंगे। आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में उच्च जाति के लोग जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि जदयू अति पिछड़ों और पिछड़ों की राजनीति के लिए जानी जाती रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आए चुनाव के परिणाम के बाद से जदयू एक बार फिर से लवकुश फार्मूले पर काम करना शुरू कर दी है। इसी कड़ी में जदयू ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव किया और वहां पर कुशवाहा को अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इतना ही नहीं, पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को भी पार्टी यानी कि जदयू में शामिल करने पर विचार कर रही है। 2020 विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिले, लेकिन उनकी पार्टी ने जदयू के 15 सीटों पर सीधे प्रभावित किया। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जदयू में शामिल हो जाती है तो जदयू के पास एक बड़ा वोट बैंक हासिल होगा। ऐसे में अब देखना दिलचस्प है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करते हैं। हालांकि कुशवाहा ने कहा है कि फिलहाल जदयू में शामिल होने पर उनका कोई विचार नहीं है। जदयू के जिस तरह से विधायकों की संख्या में कमी आई है, उसके बाद से जदयू अपने हर क्षेत्र में पकड़ मजबूत करना चाहती है। यही वह कारण है कि जिससे जदयू ने सवर्ण प्रकोष्ठ बनाया और अब बीजेपी के वोटर कहे जाने वाले सवर्णों पर भी अपनी आंख गड़ानी शुरू कर दी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प है कि जदयू को इसका कितना फायदा मिलता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।